थैंकफुली कभी ट्रोल नहीं हुई हूँ अभी तक. मैं अपने काम से काम रखती हूँ. सोशल मीडिया पे आप मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैंने आपको बोला है कि आप मुझे जानते हैं. कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के अपने हाथों से कुछ भी लिख सकते हैं. Welcome to Bollywood Bubble. मैं हूँ दृष्टि पाठक and today we have with us the stunning, the absolutely gorgeous Pia Bajpiee. Hi Pia. Thank you so much. How are you? I'm good. Thank you so much. So my first question obviously is going to be Tera Shahar. Tell us something about Tera Shahar. Tera Shahar is something which is very beautiful, and you want to listen to it, you want to see the video, and you want to understand the lyrics also because you relate with it so much. It's a lovely, beautiful song with beautiful people. बहुत अच्छी जगह हमने आर्मेनिया में शूट किया है. बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिरिक्स के साथ जस्टिस करने की कोशिश की है. How was it collaborating with Himanshu and Romy? It was very good because Himanshu is a very nice guy. We met at the airport जब हम आर्मेनिया जा रहे थे. And when you shoot for a video, there's actually not much time where you can break the ice. Right. तो दो या तीन दिन का तो शूट होता है. So we just met at the airport, we started talking, and the bond was great. Everything went so smoothly. So you can see in the video also. Just like we know, you do Tamil movies, Malayalam, Hindi. How do you manage? God knows how I do it. I think once you start doing it, then you develop your own way. When I was doing Tamil, Telugu and Malayalam, I had my own things. जिस पेपर पे मैं लिखती थी मैं किसी को दिखाती नहीं थी कहाँ कैसे क्या लिखा है. बट आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को डिकोड करना शुरू कर देते हो. इट जस्ट हैपेंस. कमिंग बैक टू तेरा शहर, व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट द सॉन्ग, सबसे पहले तो डिड यू जस्ट नो, एक बार सुन के ही आपने कहा कि नहीं मुझे ये करना है, कि इट टुक टाइम फॉर यू टू डिसाइड, व्हाट वाज इट? आपके पास एक सॉन्ग आता है टी सीरीज का, आपको टी सीरीज से कॉल आता है कि आपको ये सॉन्ग करना है, और आपको बताया जाता है कि मनोज जी का गाना है, अमाल मलिक ने म्यूजिक दिया है, कलाम ने गाया है, हिमांश आपके साथ हैं. आई डोंट थिंक एनी बडी विल से नो फॉर दिस बिकॉज टी सीरीज के मोस्टली सारे गाने हिट होते हैं एंड सुपर हिट होते हैं. एंड आपको पता है कि आप सेफ हैंड्स में हो, वो जो भी बनाएंगे वो लोगों को बहुत पसंद आएगा. एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं. मतलब आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड डू इट एंड आई जस्ट थैंक गॉड दैट आई डिड. तो अब जब हम ये वीडियो देखेंगे जो कि फ्रेशली मेड होगा, एडिटेड होगा, बट दैट वुडंट शो अस थिंग्स दैट हैज हैपेंड बिहाइंड द कैमरा एंड सेट. सो टेल अस समथिंग अबाउट द फन टाइम्स दैट यू गाइस हैड ड्यूरिंग शूटिंग द सॉन्ग. सी द फन, लाइक बहुत फनी चीज़ जो मेरे साथ हुई, अभी हंस रही हूँ, उस समय तो मेरी हंसी गायब थी. मुझे बोला गया था कि आर्मेनिया में सिर्फ सुबह ठंड पड़ती है और रात को ठंड पड़ती है, तो बीच का टाइम है इट्स लाइक प्रिटी सनी नाइस ब्रीजी स्टफ एंड ऑल. तो मेरा जो लुक था वो सॉन्ग के लिए डिसाइड किया गया था, गोना बी अ समर लुक, तो ऑल समरी समरी ड्रेसेस वी हैड दैट टाइम. मैं आर्मेनिया जाती हूँ और सडनली जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलती हूँ ना, इट्स लाइक सो विंडी. मुझे लगा यार हम सही जगह उतरे हैं ना. तो जो बंदा मुझे पिक करने आया था जेडी, ही सेड मैम आज क्लाउडी है ना इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, अदरवाइज वेदर इज़ फाइन. ऐसा अच्छा, पर वो मुझे कहीं से फाइन लग नहीं रहा था सच. एंड जब शूटिंग के लिए मैं तैयार हुई, उस दिन रेन भी हुई है, उस दिन स्नोफॉल भी हुआ है, एंड सडनली वी हैड टू चेंज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ माय लुक. तो वो समर से विंटर में चला गया, एंड बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था, सो मैंने बहुत सारा विंटर कुछ कैरी नहीं किया था. व्हाई वुड आई कैरी द विंटर क्लोज? फिर पता चलता है कि एक उसका कोट आता है, एक उसका कोट आता है, ऐसे मांग मांग के मैंने वो वीडियो शूट किया है. तो इन वीडियो आई एम वेयरिंग 2-3 कोट्स एंड ऑल, उसमें से एक भी मेरे नहीं है, सब इधर उधर के हैं. तो आई वॉज लाइक, एंड वो जो फिर मुझे टेंशन हो गया कि जो वेडिंग गाउन मैं शूट करने वाली हूँ, आप वेडिंग गाउन के ऊपर थोड़ा ना कोट और जैकेट दो गए कैसे करोगे? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे मेरे ऐसे बोन्स में घुस गई थी सर्दी. मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके एक्शन में जब ये क्लोजअप लेंगे तो ऐसे दांत मेरे किटकिट किटकिट नहीं होने चाहिए. वेरी वेरी कोल्ड, मतलब उस समय ये जो अभी दिख रहा है तब ऐसी हंसी नहीं थी चेहरे. A message that you'd like to give your fellow well-wishers, your fans and people who admire you, kya kehna chahenge unko aapke song ke bare mein, ki something, some message that you would like to pass? Main yehi bolna chahungi ki main like I'm so so thankful from bottom of my heart that you guys love the song. Itna pyar, matlab of course mujhe pata hai ki gana bahut acha banaya tha, humne shoot bahut acha kiya tha, but ye jis tarah ka pyar mil raha hai, this is something
इतना नहीं सोचा था फ्रेंकली स्पीकिंग, बट बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के, जो लोग आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ शेयर कर रहे हो, दे राइटिंग इट टू मी कि हाउ दे लाइक इट एंड ऑल, आई मीन इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अप्रिसिएशन, आई रियली मीन. That's lovely. Like you said about social media, जैसे कि हम जानते हैं आप Instagram पे काफ़ी एक्टिव हैं, आप जानते हो कि आजकल लोग छोटी छोटी बातों पे, स्पेशली सेलिब्रिटीज ट्रोल हो जाते हैं, तो हाउ डू यू टेक दैट होल थिंग? क्या आप कभी ट्रोल हुई है DMs? मैं थैंकफुली कभी ट्रोल नहीं हुई हूँ अभी तक, पता नहीं अगले इंटरव्यू तक चेंज हो रहा है कुछ काम से, बट मैं कभी ट्रोल हुई. रीज़न बिहाइंड दिस बिकॉज मैं अपने काम से काम रखती हूँ जी, एंड सोशल मीडिया पे आप मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैंने आपको बोला है कि आप मुझे जानो. I never share my personal life on social media at all. काम की बातें करती रहती हूँ मैं, फ़ोटोशूट अपने होते हैं, फ़ोटो डाल देती हूँ, एक आधा कभी कुछ मोटिवेशनल कुछ स्टफ़ डाल देती हूँ, बाकी चीज़ें मैं बहुत प्राइवेट रखती हूँ. तो काम में कोई मुझे क्या ट्रोल करेगा यार, मैंने वीडियो किया है, आपको पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा, उसमें कहाँ ट्रोलिंग आएगी. बस है ना, या आई नो दैट वो एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठ के अपने हाथों से कुछ भी लिख सकते हैं जी, सबको वहाँ पे फ्रीडम मिल जाता है, तो दे डू एनीथिंग विच इज़ नॉट सो ग्रेट टू सी ऑल्सो, बिकॉज आई सी सो मेनी पीपल दे गेट ट्रोल्ड एवरी डे एंड इट्स प्रीटी अग्ली. बट इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस विद यू, डू यू थिंक यू विल बी अफेक्टेड विद दैट और प्रॉब्ली इग्नोर? I will ignore. Best. What's the best? So guys, do go ahead and watch the song Tera Sheher Hai. Do not miss out on this one. And it was lovely having a conversation with you. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, this is Pia Bajpiee and you are watching me on Bollywood Bubble. Keep watching.